नमस्कार दोस्तों, आज सुबह से लोगों की बधाई देने की ताता लगा हुआ है। मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह हजारों की संख्या में बधाई आई है। मैं भी सभी लोगों को बधाइयां देता हूं, क्रिसमस की बधाइयां लगातार आ रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज तुलसी पूजन भी है, और वही तुलसी पूजन जिसका कोरोना काल में इतना महत्व बढ़ गया था, इतना महत्व बढ़ गया था कि ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। और उसी तुलसी की मैं बात कर रहा हूं कि पड़ोसी भी नहीं बताते थे कि मेरे यहां है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 3%, कितने परसेंट, 3% ईसाई लोग हैं, और हिंदू 80% है। और आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पता है, मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगालने के बाद सिर्फ और सिर्फ दो लोग ऐसे मिले जो तुलसी पूजन की बधाई दिए थे, और तमाम लोग बिहार के, भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कई कलाकारों को मैंने सोशल मीडिया खंगालने का कोशिश किया, तमाम लोग भरे हुए हैं क्रिसमस दिवस की बधाई देने में। हाँ, साथ ही साथ मैं ये बता दूं, कुछ एक लोग थे जिन्होंने तुलसी पूजन का भी बधाई दिया था, दोनों का दिए थे। मैं भी दोनों चीजों की बधाई देता हूं, मैं कहीं नहीं ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं हूं, कभी नहीं, लेकिन आखिर क्यों हम 80% वाले लोग अपने त्योहारों को क्यों भूलते जा रहे हैं? आखिर क्या हुआ है मेरे समाज को, किस तरफ जा रहा है ये समाज, क्या होगा? क्या हम युवाओं की यही जिम्मेवारी है? इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को इस दुनिया में लाया था कि पूर्वजों की सारी गरिमाओं को भूलते जाए? आखिर क्यों? और मैं उस तुलसी की बात कर रहा हूं जब आज भी लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है ना गले में, वो चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, मैं धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूं, सभी लोग ढूंढते फिरते हैं पड़ोसियों के यहां, मोहल्ले में, कि आपके यहां है क्या तुलसी, आपके यहां है क्या तुलसी। और आज जब तुलसी पूजन की बात है तो कितनी शर्म की बात है, हजारों की संख्या में लोग क्रिसमस की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन जब तुलसी पूजन की बात है, सिर्फ और सिर्फ दो लोग उन दोनों मित्रों को मैं क्या बोलूं, जितना भी बोल दूं कम है, कम से कम दो ही लोग उस चीज को तो याद रखे हैं। और सभी युवा बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, ठीक है आप उस चीज को भी मनाइए, मैं कहीं मना नहीं करता हूं, मैं किसी जाति समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ उस चीज को भी हमें याद रखना होगा, वरना आप जिस जहां है उस गरिमा को भूल जाए तो फिर आपके होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप अपने अस्तित्व को भूल जाए तो आपके होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? है कुछ फर्क? और मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद भी लोग मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, फर्क नहीं पड़ता है मुझे, करिए कमेंट, फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं हूं तो अपने होने का परिचय देते रहूंगा।
और हाँ, मैं अपने होने का परिचय किसी को जाति सूचक शब्द या फिर किसी धर्म की अवहेलना या फिर किसी धर्म को अपमान करके नहीं, अपने पूर्वजों को, अपने धर्म को सम्मान देके करूंगा और मैं दूंगा सम्मान। और आज तुलसी पूजन है, मैं मनाऊंगा तुलसी पूजन। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सभी को भी लगे कि हाँ, मुझे अपने अस्तित्व को बरकरार रखना चाहिए, तो ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दिन दिन भर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का, सोशल मीडिया यूज करने का समय है, लेकिन वो क्षण में, सिर्फ और सिर्फ क्षण भर का समय नहीं है उस व्यक्ति के पास कि एक तुलसी पूजन कर पाए। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप क्रिसमस डे की पोस्ट करते हो, साथ ही साथ मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप मत करो, एक पोस्ट तुलसी पूजन की भी होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताओ। क्या मतलब, आखिर किस लिए है हम लोग, कि हमारा अस्तित्व ही हमें नहीं पता है? मतलब 80% कुछ मायने रखता है, 80% के भीड़ में भी, अरे यार 0.1% के लायक भी हम लोग नहीं है, आखिर क्यों, क्या हुआ है इस समाज को? खैर, पुनः समस्त देशवासियों को मेरे तरफ से तुलसी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं, एवं साथ ही साथ मेरे सभी मित्र एवं पूरे ईसाई धर्म के जितने भी लोग हैं उन सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंत में सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद।